दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो में यह है डिस्क हैरो, जो कि मिट्टी को काटने का काम करती है, यानी कि बारीक बारीक पीसेस में करने के लिए काम आता है। कल्टीवेशन के बाद जब हम गहरी जुताई करते हैं तो खेतों की जो मिट्टियाँ हैं वो ढेले बड़े बड़े होते हैं, तो उसे ये तोड़ने का काम करती है। और इसका दूसरा काम यह है दोस्तों कि ये खरपतवार को भी काटने का काम करता है, यानी कि जो अनचाहे खरपतवार हमारे खेतों में होते हैं उसे काटने के लिए काम आता है, और उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ये होता है। इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, दो लाइन के डिस्क लगे होते हैं जिसे आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके जो इंक्लिनेशन एंगल है उसको उस हिसाब से उसकी गहरी जुताई होती है और उस हिसाब से इसका कटाव होता है। इसे थोड़ा स्पीड में चलाना होता है दोस्तों, यानी कि अगर आप हाई स्पीड में चला रहे हैं तब जाके मिट्टी के जो ढेले हैं वो अच्छे बारीक होते हैं। 15 RPM में अगर आप चला रहे हैं तो आप हाई गियर में फर्स्ट गियर में चला सकते हैं, या अगर आप लो गियर में चला रहे हैं तो आपको टॉप गियर का इस्तेमाल करना होगा इसे चलाने के लिए, तभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इस तरह से दोस्तों ये डिस्क हैरो जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस समय यूज़ होता है जिस समय आपको खरीफ फसल बोने होते हैं, क्योंकि नमी जा चुकी होती है जब हम धान की फसल लेते हैं, तो उसमें जितने भी जो बड़े 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 ढेले होते हैं उसे ये बारीक में काट देता है और उस हिसाब से मिट्टी छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका काम है दोस्तों। इसे इस्तेमाल करते वक्त दोस्तों आपको एक सावधानी बरतनी होती है कि इसे आप जब खेतों में इसके इंक्लिनेशन एंगल को बढ़ा देते हैं तो आपको सिर्फ लेफ़्ट टर्न लेना होता है। अगर राइट टर्न लेंगे तो क्या है कि वो जो डिस्क है रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जिससे वो डिस्क को डैमेज करेगा और या तो किसी न किसी पार्ट्स को तोड़ देगा। तो इसे आप जब भी चलाएंगे दोस्तों सिर्फ आपको लेफ़्ट टर्न ही लेना है, और कहीं पे भी आप मोड़ते हैं इसे तो उस तरह का टर्न लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आप नहीं मोड़ सकते, ये सावधानी बरतनी होती है इसे यूज़ करने के टाइम। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।